नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर वन शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से बेलगोरोद में हमले किए हैं। रूसी डिफेंस ने गिराए हैं यूक्रेन के 6 ड्रोन। तो ये बहुत बड़ी खबर बेलगोरोद से आ रही है, ये बिग ब्रेकिंग जो हम आपको बता रहे हैं। कुर्स्क में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसकी पूरी डिटेल अभी अपग्रेडेड जो रिपोर्ट है उसके साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन बेलगोरोद खार्कीव से लगता हुआ इलाका और वहां पर अब ड्रोन से, कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन ने हमले किए हैं। लेकिन कुर्स्क अभी भी बड़ा मामला है। कुर्स्क का युद्ध रूस के लिए संकट बनता जा रहा है और ये संकट अब यूरोप पर भी मंडराने लगा है, क्योंकि 6 अगस्त से शुरू हुए इस युद्ध में यूक्रेन ने अब तक 1,500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की इस बढ़त को रोकने के लिए रूस ने 3 मोर्चों पर डिफेंसिव ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के अनट्रेंड सैनिकों पर हावी होती जा रही है। यूक्रेन ने 17 अगस्त को सेव नदी पार करने के बाद हमले शुरू कर दिए। देखिए बीते 12 दिन में यूक्रेन ने कुर्स्क का क्या हाल किया है और कुर्स्क बचाने के लिए पुतिन कैसे यूरोप पर हमले की रणनीति बना रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो रक्तपात किया है उसकी तस्वीरें भयावह हैं। जिस तरह रूस ने सूमी, चेर्निहिव, खार्कीव, बूचा और डोनबास में जंग लड़ी, उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, कहीं ज्यादा आक्रामक जंग यूक्रेन ने रूसी धरती पर छेड़ रखी। यूक्रेन की कुर्स्क जंग को 10 दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना के बड़े हमले भी यूक्रेनी सेना की रफ्तार कम नहीं कर पा रहे हैं। सत्रह अगस्त का अपडेट यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में वर्चस्व बढ़ा लिया है। उसके कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना ने 17 अगस्त को सुज्जा के आसपास कई इलाकों पर कब्जा किया है। ये इलाके हैं ल्यूबिमोव का, मलाया, लोकन्या, स्वर्दलीकोवो और गुएवो। अब इन इलाकों में यूक्रेन का सैन्य प्रशासन लागू है और यहां मौजूद रूसी सेना सरेंडर कर चुकी है। यूक्रेन के सैनिक इतने बड़े हमले कर रहे हैं कि रूसी सेना को मोर्चे छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये रूसी सैनिकों के मोर्चा छोड़ने की तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए पीछे हट रहे हैं। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है वैसे वैसे यूक्रेन का दबदबा और इलाका बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां यूक्रेनी सैनिक बेधड़क मनमर्जी चला रहे हैं। ये तस्वीरें कुर्स्क के एक सुपर मार्केट की है जिस पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है और लूटमार हो रही है। यूक्रेनी सेना इलाका कब्जाने के साथ साथ रूसी सेना पर बड़े हमले भी कर रही है। यूक्रेनी सेना की मैनपैड विंग ने रूस की वायुसेना पर हमला किया। यूक्रेनी चौकियों पर हमला करने आया रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर इस हमले में तबाह हो गया। यूक्रेन ने बीते 10 दिन की वॉर रिपोर्ट जारी की और इसके मुताबिक पहले दिन रूस के कुर्स्क प्रांत में सुज्जा और
कोरनेवो पर हमला किया गया। दूसरे दिन 15 किलोमीटर का इलाका जीतते हुए 11 गांवों पर कब्जा कर लिया। तीसरे दिन यूक्रेनी सेना ने 430 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया। चौथे दिन यूक्रेनी सेना सुज्जा शहर में घुस गई। पांचवें दिन यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद पर हमला करके पोरोज इलाका जीत लिया। छठे दिन कुर्स्क के बोलोवस्की क्षेत्र में हमले शुरू किए। सातवें दिन यूक्रेन ने क्रास्नोयारुजस्की इलाके में झंडा गाड़ दिया। आठवें दिन यूक्रेन ने कुर्स्क बेलगोरोद से 77 गांव कस्बों पर कब्जा जमा लिया। नौवें दिन यूक्रेन ने सुज्जा शहर पर कब्जा जमा लिया। दसवें दिन यानी 15 अगस्त को यूक्रेन ने 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया। यूक्रेन ने 6 अगस्त से 15 अगस्त तक की आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है, लेकिन वॉर जोन से रिपोर्ट ये भी है कि यूक्रेन ने 17 अगस्त तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है और 17 अगस्त की रात 15 वर्ग किलोमीटर इलाका सेन नदी के किनारे पर जीता है। और यूक्रेन से निकलकर रूस में बहने वाली सेव नदी कुर्स्क के करीब से गुजरती है और उसके तट पर कई दिन से यूक्रेन और रूस की सेना की जंग जारी है। 17 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के करीब बहने वाली सेव नदी को पार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद रूस यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग हुई। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में सेव नदी के तट पर 15 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया। इस इलाके को जीतने के लिए यूक्रेन ने एक दिन पहले ही रणनीति बनाई थी। 16 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में सेव नदी पर बने पुल को गिरा दिया। ये पुल कुर्स्क के ग्लुश्कोव्स्को नाम के इलाके को बाकी जगहों से जोड़ता था। इस हमले का असर यह हुआ कि रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट गई, हथियारों और रसद की सप्लाई भी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ग्लुश्कोव्स्को का संपर्क कट गया, यहां रूसी सैनिक चारों तरफ से गिर गए। यूक्रेन नदी पार करके हमले करने के लिए ये काम भी किया गया। अभी कुर्स्क में 3 और पुल को टारगेट किया जाएगा। 3 पुलों को उड़ाने के बाद पश्चिमी कुर्स्क का हिस्सा पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन का 700 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके पर कब्जा हो जाएगा। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है तो रूस ने भी अब रणनीति बदल दी। पैदल सेना उतारने के साथ साथ अब वायु सेना और मिसाइलों के हमले बढ़ा दिए गए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्टिलरी टुकड़ी पर एंटी टैंक गन से हमले किए और कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेनी चौकियों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। रूसी वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर फुल एक्शन में है और यूक्रेनी वाहनों पर बम वर्षा करके सेना को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सत्रह अगस्त को सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद रूसी सेना ने कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क और वोरोनिश में हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने कोरनेवो, रुस्कोए, चेरकिस्कोए और पोर्शोनोए में यूक्रेनी टुकड़ी पर हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 11 टैंक और सैन्य वाहन तबाह हो गए। इसके साथ ही यूक्रेन का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम, TRML-4D रडार सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कोसित्सा और खोतेन के मोर्चे पर यूक्रेन के 300 सैनिक मारने का दावा किया है। इसके साथ ही 31 सैन्य वाहन भी नष्ट करने का दावा किया है। 17 अगस्त तक यूक्रेन के 3160 सैनिक, 44 टैंक, 244 आर्म्ड व्हीकल, 5 एयर डिफेंस सिस्टम और 6 MLRS सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। जितनी तेजी से रूस हथियार नष्ट कर रहा है उससे कहीं तेज यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही। कुर्स्क की जंग से पुतिन की सत्ता पर दबाव है
और क्रेमलिन में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। पुतिन विद्रोह को दबाने और अपनी सत्ता बचाने के लिए परमाणु हमले का फैसला भी ले सकते हैं और इसका सीधा टारगेट यूरोप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।